आई एम हंड्रेड परसेंट शोर कि एवरी प्राइम मिनिस्टर इन पाकिस्तान उज़ कम सिंसियर इमरान खान भी चाहते होंगे ना कि उनके मुल्क उनके ज़माने में मुल्क तरक्की करे चलो उनकी सोच से आप बहस कर सकते हैं नवाज शरीफ के कुछ प्रोजेक्ट से आप बहस कर सकते हैं लेकिन सब प्राइम मिनिस्टर ये चाहते हैं कि मुल्क आगे बढ़े पाकिस्तान में कोई चीज़ नहीं होती सियासी पार्टी या इंडिविजुअल फ्रेंचाइज होती है एक दवादा फलम लीग नून को जो वोट है सिर्फ नवाज शरीफ का वोट है जो पीपल्स पार्टी का वोट है वो बिलावल भुट्टो का या बेनजीर भुट्टो साहबा का था या जुल्फिकार भुट्टो साहब का था जो पीटीआई का वोट है इमरान खान का वोट है इतनी किस बात की लड़ाई करते हो यार मतलब इमरान खान ने आके क्या कर लेना है ये नवाज शरीफ ने आके कौन सा कद्दू में तीर चला लेना है मतलब मीनू मतलब आई मीन I mean, इतनी लड़ाई इतनी लड़ाई इस वक्त तो ये ज़्यादा तो है ना कि चार लाख स्कूलें पाकिस्तान में हैं या तीन लाख स्कूलें पाकिस्तान में और एक स्कूल से आगे बच्चे जो है सुप्रीम कोर्ट के जज बन रहे तो बाकी क्या जख मारने आए पाकिस्तान तो यहाँ पर बहुत होशियार बायोलॉजिस्ट हो सकते थे लेकिन वो किसी के घर में मासी का काम कर रही है यहाँ पे बहुत होशियार मैथमटिशन होते थे लेकिन वो कहीं कारपेंटर का काम कर रहे हैं आपने तो उनको चांस ही नहीं दिया तो आप फिर पीछे रह गए आपने तो उन्हीं एक फ़ीसद अशराफिया के बच्चों को ही चांस दिया ना अब आपने कहा कि शहबाज शरीफ के पास फाइनस किस्म के ब्यूरोट्स थे और अक्सर ब्यूरोट्स मुझे बोलते हैं कि साहब मेरा बेटा जो है वो मतलब मुझसे बीस साल कम तजुर्बा है वो मुझसे ज़्यादा पैसे कमा रहा है हिंदुस्तान के अंदर जो लड़का निकल रहा है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से निकल रहा है कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स करके आपका लड़का ने सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट से तीन महीने का डिप्लोमा लिया हुआ है वो कम्प्लीट कर सकता है उससे छोटी सी मेरी क्यूबिकल थी वो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को ऑफिस मिलती है तो उसमें मैंने बेनजीर भुट्टो साहबा की तस्वीर लगाई थी और ये हमने देख लिया कि हर तीन चार साल बाद एक वजीर आजम चले जाते हैं इसके बावजूद इतनी लड़ाई करते हैं और जब पावर में आते हैं तो समझते हैं कि पता नहीं खुदा खास तो कभी जाएंगे ही नहीं हाँ डू यू वॉन्ट पीपल टू रिम्बर यूर कि मतलब अब रिजाइन करना है या ना करना क्या फ़र्क पड़ता है मेरा लेकिन uh, मेरा मकसद मतलब मैं, तो मैं कोई मुस्लिम लीग से कोई किसी किस्म की आस लगा कर नहीं बैठा हुआ हूँ